हेलो स्टूडेंट, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मॉर्फोलॉजी इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, और उसमें टॉपिक पढ़ेंगे आज गायनोसियम और प्लेसेंटेशन। गायनोसियम क्या है? गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर मतलब प्लांट, ठीक है ना। प्लांट का जो फ्लावर होता है उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोलाता है? गायनोसियम, ठीक है। गायनोसियम किससे बना हुआ होता है? गायनोसियम जो होता है वन और मोर कार्पल से मिलकर बना हुआ होता है। अगर पूछे जाता है गायनोसियम किससे बना हुआ होता है, वन और मोर कार्पल। मोर कार्पल मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ आपसे, 9-10 में पढ़ चुके हूँ मैं आपको, कार्पल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है ना। तो वन और मोर कार्पल से क्या बना हुआ होता है? गायनोसियम बना हुआ होता है, क्लियर है। इसके बाद अगर पूछे जाता है गायनोसियम ये कार्पल में कितने पार्ट कंसिस्ट होते हैं, कार्पल में 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं, कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कितने पार्ट होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, याद रखना स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये आपकी, ठीक है ना, ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई और ये ओवरी। स्टिग्मा जो होता है रिसीव करता है पोलन ग्लैंड्स को, स्टिग्मा जो होता है वो रिसीव करता है पोलन ग्लैंड्स को ड्यूरिंग द पोलिनेशन। जब पोलिनेशन होता है प्लांट में तो उस टाइप का पोलन ग्लैंड्स को रिसीव करता है वो कार्पल का स्टिग्मा पार्ट रिसीव करता है पोलन ग्लैंड्स को, जिसमें मेन कैरियर कैरियर के आते हैं। सेकंड है स्टाइल। स्टाइल जो होती है आपको ये पता है ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो इससे जोड़ती है ओवरी और स्टिग्मा को जोड़ती है, कनेक्ट करती है ओवरी और स्टिग्मा दोनों को कनेक्ट करती है। वो कौन करती है? वो होती है स्टाइल, ठीक है ना। क्या है? स्टाइल पूछ जाता है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने वाली कौन होती है? स्टाइल होती है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है। उस ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है स्टाइल, उसकी पे ही क्या होता है? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, स्टाइल की टिप पे ही स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। थर्ड का आपका थर्ड है ओवरी। ओवरी जो होती है फ्लावर के बेस में प्रेजेंट होती है, बेसल पार्ट होता है। क्या होता है? बेसल पार्ट, याद रखोगे ये होता है बेसल पार्ट। अब ये बेसल पार्ट बोला गया भाई तो क्यों बोला गया बेसल पार्ट? क्योंकि ये बेसल प्रेजेंट होता है ओवरी के, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है? वन और मोर ओवल कंटेंट होते हैं। क्या होते हैं? वन और मोर ओवल कंटेंट। तो एक बार चेक करते हैं, गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इट इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, क्लियर है। कार्पल जो होता है वो 3 पार्ट से मिलकर ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी बोल सकते हैं। इसके बाद आपको ओवरी होती है इनलार्ज पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा पार्ट होता है जो बेसल पार्ट होता है जो नीचे पाया जाता है ट्यूब के, उस ट्यूब का नाम क्या है? स्टाइल। स्टाइल के नीचे होता है, ठीक है ना। स्टाइल जो होता है एलोंगेटेड ट्यूब होती है विच कनेक्ट ओवरी टू स्टिग्मा, जो ओवरी से स्टिग्मा को कनेक्ट कर करके वो ट्यूब का नाम है स्टाइल। इसके बाद मैंने बताया स्टिग्मा जो होता है इज यूजुअली एंटर टिप ऑफ स्टाइल, ये मैंने पहले बताया था। स्टिग्मा जो होता है स्टाइल की टिप होता है जो रिसीव करता है पोलन गैस को ड्यूरिंग द पोलिनेशन, जिसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, वो नाम होता है उससे आगे प्रोसेस, क्लियर है। इसके बाद आता है आपका ईच ओवरी क्या होता है? वन और मोर ओवल। मैंने अभी बताया था ओवरी में क्या होता है? वन और मोर ओवल होते हैं, और वो वन और मोर ओवल होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था ओवरी में क्या होता है? ओवल होते हैं। कितने? वन और मोर, क्या रखना, वन और मोर ओवल होते हैं किसमें? ओवरी में, जो किससे होते हैं? एक ट्यूशन लाइक पार्ट होता है फ्लैटन स्ट्रक्चर होती है ओवरी स्ट्रक्चर जो ओवरी में प्रेजेंट होती है उसे बोला था प्लेसेंटा, उसके थ्रू क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कौन? ओवरी। किसमें? ओवरी, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आपका फर्टिलाइजेशन जो होता है ओवरी जो होता है वो डेवलप हो जाता है किसमें? सीड में। और ओवरी होती है किसमें डेवलप हो जाती है? फ्रूट में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवूल डेवलप इनटू सीड, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ठीक है ना। देखते हैं कार्पल सार, ठीक है ना। अब इसके बाद क्लियर है, इसके बाद कार्पल जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक एक्टोकार्पस और एक सिनकार्पस। अगर आपसे पूछा जाता है कार्पल कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, एक एक्टोकार्पस और दूसरा होता है सिनकार्पस। एक्टोकार्पस वो होता है जिनमें कार्पल जो होते हैं मोर कार्पल जो फ्यूज हो जाते हैं, सॉरी एपो में फ्री हो जाते हैं। क्या होते हैं? एपो में फ्री हो जाते हैं। मोर कार्पल है फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर मोर कार्पल है, अगर वो फ्री है एक दूसरे से अलग है कार्पल वो कहलाते हैं एपो कार्पल। क्या कहलाते हैं? एपो कार्पल। एग्जाम्पल है लोटस और दूसरा रोज, एक लोटस और रोज का आप क्या देखने मिलेगा? एपो कार्पल देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? एपो कार्पल। उनका कार्पल जो होगा वो फ्री।
फ्री होगा। दूसरा है, दूसरे टाइप का है, सेकंड टाइप का कार्पल, वो है सिंथ कार्पल। सिंथ कार्पल से मोर कार्पल से इसके अंदर ओवरी फ्लावर के अंदर, फ्लावर के अंदर मोर कार्पल से जो फ्यूज है तो क्या हो जाता है, क्या कहते हैं सिंथ कार्पल। और सिंथ कार्पल जो देखने मिलता है हमें किसी देखने मिलता है मस्टर्ड एंड टोमेटो में देखने मिलता है। सिंथ कार्पल किसी देखने मिलेगा मस्टर्ड एंड टोमेटो में। क्लियर है? इनके एग्जाम्पल एपोकार्पल साथ भी एपोकार्पस कहलाता है, एग्जाम्पल रोटासेंट में कार्पल साथ फ्यूज, अगर वो फ्यूज है तो सिंथ कार्पस कहलाते हैं, एग्जाम्पल मस्टर्ड एंड टोमेटो। ठीक है, आपको फर्टिलाइजेशन में बताया गया था ओवरी जो होता है डेवलप होता है सीड में और ओवरी होती है डेवलप हो जाती है फ्रूट में। क्लियर है? इस तरीके से आपका ये गाइनोसिस कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। क्या आता है? प्लेसेंटेशन। क्या आता है नेक्स्ट टॉपिक? क्या है प्लेसेंटेशन? रिपीट कर रहा हूँ, क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन की डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट ऑफ ओवुलम इन द ओवरी। ओवरी में जो ओवुलम का अरेंजमेंट होता है वही प्लेसेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन आपसे पूछा जाता है क्या है प्लेसेंटेशन? अरेंजमेंट ऑफ ओवुल इन टू द ओवरी। अगर ओवरी में जो अरेंजमेंट होता है ओवुल का वही प्लेसेंटेशन कहलाता है। देखते हैं द अरेंजमेंट ऑफ ओवुल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। क्लियर है? प्लेसेंटेशन जो होता है फाइव टाइप्स का होता है। नंबर वन मार्जिनल, नंबर वन मार्जिनल, नंबर टू एक्सियल, नंबर थर्ड पेरिएटल, नंबर फोर थ्री सेंट्रल और नंबर फाइव बेसल। ये फाइव टाइप से क्या होते हैं प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं। इसमें ओवरी में, ओवरी में फाइव टाइप से प्रेजेंटेशन देखे जाते हैं। नंबर वन डिफरेंट टाइप्स के प्लांट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रेजेंटेशन देखी जाती है। नंबर वन मार्जिनल हो गया, नंबर टू एक्सियल, नंबर थर्ड पेरिएटल, नंबर फोर प्रेजेंटर, नंबर फाइव बेसल। इस तरीके से प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन मतलब ओवल का अरेंजमेंट, इसमें ओवल। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मार्जिनल। मार्जिनल मतलब कि पी की, पी की में जो प्लांट होता है उसमें जो आप देखोगे ओवरी उसमें क्या होता है ये रीजन होता है, ये वाला रीजन होता है, इसे बोलाता है वेंट्रल सचर। क्या बोलाता है? वेंट्रल सचर। जो इसमें वेंट्रल सचर है आपने देखा होगा फली के नीचे की साइड में देखा होगा मोटा सा बोल सकते थोड़ा सा पार्ट होता है हल्का सा और जो दो फलियों को जोड़ के रखता है दो पार्ट को जोड़ के रखता है ठीक है ना, उसे वेंट्रल सचर बोलाता है। उसमें ओवरी स्ट्रक्चर होती है जिसे रिज बोलाता है। उस रिज पर ओवरी स्ट्रक्चर में वहाँ पे क्या होता है ओवुलर मूवमेंट होता है। जो हम फली जब देखते हैं तो वो सीड दिखाई देते हैं वही ओवुल जो होते हैं सीड दिखाई देते हैं। बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद होते ओवुल सीड में डेवलप होता है। तो आप अटकी फली देख लेना पी की फली देख लेना आपको पता चल जाएगा ठीक है ना, वो ओवरी होती है इस तरीके से आपको दिखाई देगा उसमें ओवल जो होंगे सीड के इस तरीके से अरेंजमेंट देखने को मिलता है ठीक है ना। वो होता है मार्जिन। मार्जिन में बताया था मार्जिन रीजन जो होता है किसका? मार्जिन सेंट्रल, सॉरी कौन सा ये मार्जिन रीजन होता है। मार्जिन किसमें होगा? पी में। उसमें मार्जिन सचर जो दिखाई देता है वेंट्रल सचर दिखाई देता ना नीचे की तरफ दो पार्ट में जहाँ सुन जाती है ठीक है ऐसे करके दिखाई देता है उसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रेस्ट पे टूल ठीक है ना। ये कहना था मार्जिन। सेकेंड आ गया हमारा कौन सा? सेकेंड सेकेंड आपका एक्सियल। एक्सियल मतलब कि एक्सियल रीजन पे याद रखना ये एक्सियल रीजन पे क्या होता है प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है ओवल का अरेंजमेंट देखने को मिलता है किसपे? एक्सियल रीजन। लेकिन इसमें क्या होता है सेप्टम होते हैं। क्या होते हैं? सेप्टम होते हैं। तो सेप्टम जो होते हैं और उसमें क्या होता है एक्सियल रीजन पे क्या होता है अरेंजमेंट होता है किसका? ओवल का। या आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल है आपका टमाटो और सेकेंड आपका टोमेटो हो गया, सेकेंड हो गया आपका लेमन, थर्ड हो गया चाइना रोड। इनमें आपको देखने मिलेगा क्या क्या देखने मिलेगा आपको? उसमें देखने मिलेगा आपको एक्सियल प्लेसेंटेशन। क्योंकि एक्सियल रीजन पे क्या होता है ओवल का अरेंजमेंट होता है। इसमें क्या होता है सेप्टम होते हैं। पर आपको ये आप देख सकते हो लेमन भी देख सकते हो और टोमेटो भी देख सकते हो उसमें आपको देखने सेप्टम दीवार से दिखाई देती है ठीक है ना। उनके बीच बीच में आपको क्या दिखाई देगा? आपको क्या दिखाई देगा? अरेंजमेंट ऑफ ओवल दिखाई देगा। क्लियर? थर्ड टाइप का पेरिटल। पेरिटल नाम से पता चल रहा है एग्जाम्पल में बताई गई। पेरिटल का मतलब है पेरी जो ओवरी बोर्ड होती है ना किसकी? ओवरी की बोर्ड। कौन सी? आउटर साइड होती है उसकी इनर साइड में ओवरी बोर्ड की इनर साइड अंदर की तरफ क्या होता है ओवरी का अरेंजमेंट दिखाया जाता है। ओवरी की इनर साइड में
इनर वॉल पे ओरी की इनर वॉल पे क्या बोल सकते हैं एलिमेंट ऑफ कोबून दिखा जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं पेरिएटल। इसमें कोई सेप्टम नहीं होता है, ठीक है ना। इसमें जो होता है पार्शियली हाल सेप्टम सा दिखाई देता है, जो आपने देखी मस्टर्ड में दिखाई देता है। इसमें मस्टर्ड में देखा होगा सबसे सबसे सी झिल्ली सी दिखाई देती है, देती है ना, दिखाई देती है ना झिल्ली सी सबसे सबसे। जब मतलब इसकी मस्टर्ड की फली पे हो गया उसमें आपको झिल्ली सी दिखाई देगी, पार्शियली सेप्टम हो जाता है, कंप्लीटली नहीं होता पार्शियल। और आप देख सकते हो इसमें सेप्टम ये जो कुकुम्बर होता है कुकुम्बर का क्लियरली शो हो जाएगा, उसमें इनमें कोई सेप्टम नहीं होता। जो ओवल या सीड जो अरेंजमेंट होता है वो पेरिफेरल ओवल या सीड अरेंजमेंट, अगर आप हल देखोगे तो वहाँ सीड अरेंजमेंट देखा जाएगा और ओवल देखोगे तो वहाँ पर ओवल अरेंजमेंट देखा जाएगा। तो आप जब देखोगे तो उसमें क्या होता है पेरिफेरल मतलब पेरिफेरल विजिट पेरिफेरल विजिट जो होता है ओवल की इनर वॉल पे वहाँ पर ओवल का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल क्या है इसका मैंने अभी बताया था कुकुम्बर और मस्टर्ड, क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट आपका ये है आपका सेंट्रल एक्सिस, कौन सा है सेंट्रल एक्सिस। अगर आपसे पूछा जाता है सेंट्रल एक्सिस सॉरी सेंट्रल मतलब कि फ्री सेंट्रल, क्या बोलते हैं फ्री सेंट्रल बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में क्या देखने को मिलता है, फ्री सेंट्रल में आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल क्या है डायन्थस ट्रायंगल, क्या है डायन्थस ट्रायंगल। अगर आपसे पूछा जाता है फ्री सेंट्रल का एग्जाम्पल क्या है वो है डायन्थस ट्रायंगल, ठीक है ना। फ्री सेंटर में आपका इसका जो सेंट्रल है उसमें कोई सेंट्रल सेप्टम नहीं देखने मिला, कोई सेप्टम नहीं देखने मिला इधर, इसकी तरह कोई सेप्टम नहीं मिला। इसमें क्या होगा फ्री सेंटर, सेंटर में क्या होंगे ओवल का जो अरेंजमेंट होगा बिल्कुल फ्री होगा, क्या होगा बिल्कुल फ्री होगा। इसलिए इससे क्या हो रहा है फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन हो रहा है, सेंट्रल रीजन पे बिल्कुल फ्री प्लेसेंटेशन देखा मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ ओवल जो होता है बिल्कुल फ्री होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेंटर कोई सेप्टम नहीं दिखाई देता। एग्जाम्पल मैंने बोला है डायन्थस एंड मैंने अभी क्या बताया था एग्जाम्पल रिपीट करो डायन्थस एंड ट्रायंगल, क्लियर है। इसके बाद नंबर फोर है बेसल, क्या है बेसल। बेसल में आपको देखने को मिलेगा ओवरी में एक ही ओवल का अरेंजमेंट देखा जाता है, ओवरी में एक ही ओवल का अरेंजमेंट देखा जाता है। वो एग्जाम्पल है उसका मैरीगोल्ड, क्या है मैरीगोल्ड, क्या लगाओगे मैरीगोल्ड में आपको एग्जाम्पल देखने मिलेगा। उसमें क्या है एक ओवल के अंदर एक ही ओवल अरेंजमेंट देखा जाता है जिसे बोला था बेसल। बेसल मतलब कि नीचे की तरफ होता है बेस में, ओवरी के बेस में चिपका हो, ये ओवरी होती है ना, ये ओवरी आपको ओवरी दिखाई दे रही है ना, ये ओवरी इसके बीच नीचे बेस में क्या होता है ओवल का अरेंजमेंट देखा जाता है, इसलिए क्या हो जाता है इसको बेसल प्लेसेंटेशन हो जाता है। पर एग्जाम्पल मैंने बताया गया था मैरीगोल्ड और इसके साथ साथ और एग्जाम्पल है आपका सनफ्लावर, ठीक है पूछा जाता है तो जवाब दे सकते हो ना सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। इस तरीके से आपके फाइव हो गए मार्जिनल और आपका सेकंड हो गया आपका कौन सा एक्सियल, थर्ड हो गया पेरिमीटर, नंबर फोर प्री सेंट्रल और नंबर फाइव जो है आपका कौन सा होगा बेसल। इस तरीके से प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है, क्लियर है।